फ्रेंड्स आई आई होप यू यू ऑल आर डूइंग वेल टीच अबाउट द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन सो लेट्स बिगिन परसेप्शन क्या है सेंसेशन क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आज हम वो स्टडी करेंगे तो सबसे पहले परसेप्शन क्या होता है सो so परसेप्शन जो है वो प्रोसेस है ऑफ़ बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप्स एंड इवेंट्स बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस, अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप्स और इवेंट्स को अपनी अवेयरनेस में लेके आना इस प्रोसेस को हम सिंपली परसेप्शन कहते हैं सेंसेस हमें पता है फाइव सेंसेस होते हैं विजुअल, विजन साइट टेस्ट हियरिंग टच तो इन सेंसेस को यूज़ करते हुए हम जो भी ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं परसेप्शन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंसेशन क्या है सो so, सेंसेशन भी एक प्रोसेस है सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस प्रोड्यूस बाय स्टिम्युलेशन ऑफ अ सेंसरी रिसेप्टर सेंसेशन कब होती है जब हमारे सेंसेस के अंदर मौजूद जो सेंसरी रिसेप्टर हैं जो सेंसेस में हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जब वो रिसेप्टर्स स्टीमुलेट होते हैं उसके रिजल्ट में हमारे अंदर प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कब करेंगे जब हमारे सेंसेस स्टिमुलेट होंगे हमारे सेंसेस स्टिमुलेट कब होंगे जब हमारे सेंसरी को कोई मैसेज मिलेगा उसके साथ या उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगी फिर वो सेंस हमारा स्टिमुलेट होगा जैसे फोर सपोज विजुअल सेंस से अगर हम बात करें तो सामने कोई इंडिविजुअल आता है या हम टीवी देख रहे हैं तो जैसे ही वो टीवी ऑन हुआ तो हमारे सेंसर रिसेप्टर्स एक्टिव हुए स्टिमुलेट हुए जिसकी वजह से हमने एक्सपीरियंस किया तो इसको हम कहते हैं सेंसेशन अब परसेप्शन और सेंसेशन में डिफ़रेंस क्या है तो वो आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस क्या होता है परसेप्शन जैसे कि आपको पता चला कि परसेप्शन होता है किसी चीज़ को अपनी अवेयरनेस में लेके आना किसी चीज़ को जानना और सेंसेशन क्या है आपके सेंसेस का स्टीमुलेट होना आपके सेंसरी रिसेप्टर्स का स्टीमुलेट होना अब एग्जांपल ये है कि कोई चीज़ जल रही है अब उस जलने की आपको स्मेल आ रही है यानी कि आपके सेंसेस के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो गए हैं उस जलने की बू आपको आ रही है लेकिन वो चीज़ जल क्या रही है वो जब आपको पता चल जाए जैसे आप कहो कि कोई सालन जल रहा है या कोई आपने डेजर्ट बनाया है तो उसके जलने की बू है तो जब आप उसकी स्मेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हो जब आपको उसकी स्मेल आपकी अवेयरनेस में आ जाती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं परसेप्शन एक और एग्जाम्पल अगर लें फोर सपोज कोई आपके घर आया है आपके घर की बेल बजी है शाम पाँच वक्त बजे के वक्त आपके घर की बेल बजती है अब आपके सेंसेस आपका हयरिंग सेंस जो है वो आपका इस्टुमुलेट हुआ आपके ईयर ने उसकी आवाज़ सुनी जिसके रिज़ल्ट में आपके ईयर के जो सेंसरी रिसेप्टर वो स्ट्यूम्यूलेट हुए तो ये हो गया सेंसेशन का प्रोसेस अब कौन आया है अब आपने सोचा कि पाँच बज गए हैं तो इस वक्त बाबा जो है वो घर पे आते हैं तो ये क्या हुआ ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी अवेयरनेस में आई आपने उस स्टूलस को इंटरप्रेट किया उसको अपनी अवेयरनेस में लेके आए उसको रिकॉग्नाइज किया कि वो क्या है वो कौन आया है तो इसको हम कहते हैं परसेप्शन सेंसेशन जस्ट आपके सेंसर रिसेप्टर्स का स्टमुलेट होना प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस को हम कहते हैं जैसे आपके सामने बहुत सारे मसाले रख दिए जाए अगर और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपको जो है वो उस मसालों की जो है वो खुशबू आ रही है तो ये सिंपली क्या है मसालों की खुशबू जो है आपके जो साइड के सेंसेस हैं वो स्ट्यूमलेट हुए हैं आपकी नोज़ के सेंसेस स्ट्यूमुलेट हो गए उन मसालों की खुशबू आ रही है अब आपसे जो है वो पूछा जा रहा है कि ये मसालों की ये पर्टिकुलर मसाला मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ अब आप बताओ कि ये कौन सा मसाला है तो अब वो क्या कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर मसाले को जो है वो सोच रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये मसाला कौन सा है ये किस मसाले की खुशबू है तो जब वो उस मसाले का नाम आपको बता दें इट मींस के उस इंडिविजुअल ने उस मसाले को परसीव कर लिया है उस ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट कर दिया है सो so, इसको हम कहते हैं परसेप्शन सो इट वॉज़ अबाउट दी परसेप्शन एंड सेंसेशन आई होप कि आपको समझ आया होगा अगर अभी आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़